कश्यप ऋषि की धरती, राजा हरि सिंह का विश्वास, साक्षी है इतिहास, यहाँ रब के बंदे रहते हैं। प्यारा जम्मू कश्मीर, अपना जम्मू कश्मीर। आपने कश्मीर की वादियों के बारे में बहुत बार सुना होगा। घाटी में बर्फ से लदे हुए चिनार के पेड़ देखे होंगे। कश्मीर की कली से लेकर जब जब फूल खिले जैसी मूवी में वहां की सुंदरता देखी होगी। और इन सब के बाद कश्मीर फाइल्स में भयंकर आतंक और चीख पुकार भी। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक किस्सा भी है। ये किस्सा है उस दौर का। अगर उस दौर में महाराजा रणबीर सिंह ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात मान ली होती, तो आज घाटी में मजहबी तकरीरों की जगह वेद के मंत्र और घंटियों की आवाज सुनाई देती। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। कश्मीर में आतंक और नरसंहार के बाद साल 1992 में एक किताब आई थी। किताब का नाम है कश्मीर, द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। लेखक है स्वर्गीय बलराज मधोक जी। इस किताब के पेज नंबर 17 पर एक घटना का किस्सा है, उस दौर का, जब महाराजा रणबीर सिंह कश्मीर के राजा थे। लेकिन किस्से से पहले की एक घटना भी है। महाराजा रणबीर सिंह के शासन के दौरान शियाओं और सुन्नियों के बीच बड़ा टकराव हुआ। कई दिनों तक मारकाट मची रही। ईरान से शियाओं को मदद मिल रही थी। महाराजा पर्दे के पीछे से सुन्नियों के साथ थे। सुन्नी भारी पड़े और शियाओं को घाटी छोड़नी पड़ी। महाराजा जानते थे कि सुन्नी मुसलमान वो थे जिन्हें जबरदस्ती कभी इस्लाम में ले जाया गया था, और ये न सिर्फ महाराजा बल्कि सुन्नी भी जानते थे। महाराजा रणबीर सिंह ने सुन्नी मुसलमानों को बाद में मुआवजा भी दिया। इस कारण घाटी के करीब 90% मुसलमान महाराजा रणबीर सिंह की उदारता से खुश थे। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के विद्वान रणबीर सिंह का बनारस के पंडितों के बीच भी खूब प्रभाव था। वेद, व्याकरण और संस्कृत भाषा पर मजबूत पकड़ की वजह से वाराणसी के पंडितों में उनकी खूब इज्जत थी। साल 1877 का वह दौर था। देश के कई हिस्से अकाल की चपेट में आ चुके थे। कश्मीर में भी अकाल पड़ा। महाराजा रणबीर सिंह ने अपने राज्य के मुसलमानों की खूब मदद की, अपने अन्न भंडार का भी दरवाजा खोल दिया। यही दरिया दिली मुसलमानों को घर वापसी के लिए सोचने पर मजबूर करने लगी। महाराजा तक यह प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने फौरन बनारस के पंडितों से मशवरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल के नंदा ने अपनी किताब 1971 भारत पाक युद्ध में लिखा है कि तब घाटी के करीब 90% मुसलमान हिंदू धर्म में वापसी के लिए तैयार थे। लेकिन बनारस के पंडितों तक यह खबर पहुंची तो वे विरोध करने लगे। बनारस का कोई पंडित इनकी घर वापसी कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन दिनों कश्मीर में संस्कृत और वेद की पढ़ाई वाले स्कूल खुल रहे थे। मुसलमानों को लगने लगा था कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद कई और लाभ भी मिल सकते हैं। यही कारण था कि वे दोबारा हिंदू बनना चाहते थे। ये वो घटना थी जो कश्मीर के इतिहास की पूरी दिशा बदल सकती थी। वह थी हिंदू धर्म में वापस लिए जाने के लिए कश्मीरी मुसलमानों द्वारा आगे बढ़ना। उन्होंने दलील दी कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था और वे अपने पैतृक धर्म को फिर से अपनाने के लिए उत्सुक थे। बनारस के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। तब रणबीर सिंह ने इस मामले में महर्षि दयानंद सरस्वती जी से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि दयानंद जी ने उन्हें सलाह दी कि ये कुछ अनुष्ठान करने के बाद उन्हें हिंदू धर्म में वापस ले सकते हैं। बात तय हो गई, किंतु कश्मीरी मुसलमानों की उनके मूल धर्म में वापसी का प्रस्ताव अदूरदर्शी कश्मीरी पंडितों को पसंद नहीं था, जो डोगरा हिंदू शासन की वापसी के बाद से खुश नहीं थे। उन्होंने महाराजा को मना करने की कोशिश की। जब उन्होंने उसे अपनी जिद पर अड़े पाया तो उन्होंने कुछ नावों में पत्थर भरे और उन्हें झेलम पर महाराजा के महल के सामने बीच धारा में ले आए। उन्होंने उसे धमकी दी कि मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने के उनके फैसले के विरोध में वे डूबती नावों के साथ डूबकर आत्महत्या कर लेंगे और तब वह
ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मणों की हत्या का दोषी होगा। रणवीर सिंह वैसे तो एक वीर सैनिक थे, लेकिन वह उन चालाक ब्राह्मणों का सामना करने का साहस नहीं जुटा सके जो अपने स्वार्थ के लिए वैदिक धर्म की गलत व्याख्या कर रहे थे। इस प्रकार कश्मीरी मुसलमानों की हिंदू धर्म में वापसी की योजना विफल हो गई। ये किस्सा कश्मीर द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में दिया गया है। 12 सितंबर 1885 को महाराजा रणवीर सिंह का भी निधन हो गया। घाटी के मुसलमानों की घर वापसी का किस्सा भी उनके साथ ही थम गया। किंतु एक दूसरा किस्सा यहाँ से शुरू हुआ। रणवीर सिंह के बाद जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे महाराजा प्रताप सिंह और उनके बाद कश्मीर के राजा बने राजा अमर सिंह के सबसे छोटे पुत्र हरि सिंह। 1925 में जब हरि सिंह गद्दी पर बैठे तो शुरुआत शानदार थी। ताजपोशी के बाद जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की, उन्हें सचमुच क्रांतिकारी कहा जा सकता है। आर्य समाज से बेहद प्रभावित थे। चमचागिरी के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने एक सालाना खिताब देना तय किया था जिसका नाम खुशामदी टट्टू अवार्ड था, जिसके तहत बंद दरबार में हर साल सबसे बड़े चमचे को टट्टू की प्रतिमा दी जाती थी। ऐसी कई चीजें थी जो महाराजा हरि सिंह को बिल्कुल अलग बनाती थी। बुद्धिजीवी होने के साथ ही महान समाज सुधारक और विचारक के रूप में भी उनके कार्य अनगिनत हैं। जहां एक ओर महर्षि दयानंद जी के शिष्य कोल्हापुर नरेश शाहू जी महाराज दलितों उद्धार में लगे थे, वहीं महाराजा हरि सिंह ने साल 1932 में राज्य के सभी मंदिरों को दलितों के लिए खोल दिया। यह घोषणा गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन से भी पहले हुई थी और शायद देश में पहली ऐसी कोशिश थी जिसे दो आर्य नरेश शाहू जी महाराज और महाराजा हरि सिंह के अलावा सोचने वाला राजा उस दौर में शायद ही कोई और था। यह इतना क्रांतिकारी निर्णय था कि रघुनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ये वो काल था जब लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। महाराजा हरि सिंह ने सख्ती से कानून बनाकर भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गरीब अनाथ और जरूरतमंदों की सहायता के लिए राज दरबार के खजाने हमेशा खोल के रखे। विवाह की एक आयु निश्चित करके कानून बनाकर हरि सिंह ने सूबे में बाल विवाह पर रोक लगाई। आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित महाराजा ने विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता देने के अथक प्रयास किए और कानून भी बनाया। जाति प्रथा और वैश्यवृत्ति रोकने समेत महिलाओं के समान अधिकारों का पक्ष रखा। आर्य समाज के वेद और ज्ञान के प्रचार से प्रभावित होकर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की। उनके आधुनिक विचार ही थे जो जम्मू कश्मीर में प्रगतिशील सामाजिक सुधार कार्य हुए। बच्चे तंबाकू जैसे नशे का शिकार ना हो, इसके लिए भी नशा विरोधी सख्त कानून बनाया। 15 नवंबर 1930 से 12 जनवरी 1931 तक लंदन में चलने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह ने सारी प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया और वहां बेबाकी से कहा था कि मैं पहले एक हिंदुस्तानी हूं, महाराजा बाद में। ये पहली बार था जब किसी भारतीय राजा ने अंग्रेजों के गढ़ में जाकर वहां के उच्च अधिकारियों के सामने भारत की आजादी, भारतीयों के हकों की बात कही थी। महर्षि दयानंद के शिष्य का ये कदम आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ और ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक चुनौती। तारीख 22 अक्टूबर 1947। आजादी के साथ भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान की नापाक नजर जम्मू कश्मीर से नहीं हट रही थी। जम्मू कश्मीर पर कबीलियाई आक्रमण कर दिया गया जिससे वादी में बुरी तरह अशांति फैल गई। उत्पात मचाते हुए कबीलियाइयों ने कश्मीर में बिजली, सड़क और बुनियादी जरूरतों की सेवा बाधित कर दी। हालात दिन ब दिन नाजुक बनते जा रहे थे। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने का जोर बढ़ रहा था। महाराजा हरि सिंह सारी स्थिति भांप गए थे और आजाद भारत के साथ विलय के मसौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय सुना दिया। 1948 में महाराजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ एक अंतरिम लोकप्रिय सरकार के गठन की घोषणा की और जम्मू कश्मीर का पूर्णता भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्णता भारत में विलय के बाद महाराजा हरि सिंह का शासन
आधिकारिक तौर पर 1949 में समाप्त हो गया था। तारीख थी 26 अप्रैल 1961। जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक युग के अंत का समय आ गया। महान रियासत की विरासत देश को अर्पित करने वाले महाराजा हरि सिंह का देहांत हो गया। उनके इच्छा अनुसार दाह संस्कार आर्य समाज रीति से किया गया और अस्थियों को जम्मू लाकर तवी नदी में बहा दिया गया। बादशाह की तरह जन्म लिया, बादशाह की तरह ही जिए, बादशाह की तरह ही स्वर्गवास हुआ। देश के इस महान वीर सपूत को आर्य समाज करता है शत शत नमन।